हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए शाहिद अफरीदी के होम टूर का रिएक्शन। एंड हमने जो देखा था रिसेंटली वीडियो, शाहिद अफरीदी के ऊपर ट्रिब्यूट वीडियो देखी थी, तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। लोगों ने हमें बताया कि भाई उनका होम टूर देखो। मैं पहली बार देखा हूँ कि क्रिकेटर का होम टूर। हमारे यहाँ ऐसे किसी का मेरे को नहीं याद है किसी का ऐसे होम टूर दिखाया हो। और नॉर्मली ऐसे घर जो है नॉर्मली इतना रिवील नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्यों, मतलब इतना नहीं रिवील करते हैं। क्योंकि जैसे देखा था एंटीला हो गया, मुकेश अंबानी का सबसे महंगा घर इस दुनिया का हमारे देश के अंदर है, इंडिया के अंदर है, लेकिन वो कभी हमें अंदर से क्लियरली दिखाया नहीं गया। लोगों ने अपनी अजम्पशंस बनाई हुई हैं या फिर चीज़ें बताई हुई हैं, पर ऐसे दिखाया नहीं गया कभी प्रॉपरली। तो वैसे बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने खुद अपना घर दिखाया, खुद व्लॉग में दिखाया, तो वो देखने लायक होगा। देखते हैं कैसा होता है। वो इसलिए नहीं दिखाते होंगे क्योंकि वो नहीं चाहते वो अपनी प्रॉपर्टी रिवील करना ऐसे कि देखो हम कितने अमीर हैं, या फिर वो शॉप वगैरह नहीं करना चाहते होंगे, पता नहीं के जो भी इसका रीज़न है। बाकी शाहिद अफरीदी अपना घर दिखा रहे तो यार बहुत अच्छी बात है, और मुझे 100% श्योर हूँ मैं उनका घर अच्छा ही होगा। ऑब्वियसली इतने बड़े क्रिकेटर का घर अच्छा ही होगा। बाकी वीडियो देख कर ही पता लगेगा। वही तो देखते हैं कैसा होता है। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये खुला गेट, वो बोलते हैं कोठी बनाई है, हवेली बनाई है, वैसा बनाया है पूरा। मेरे दोस्तों अंदर चलते हैं, जरा गपशप लगाते रहेंगे, कुछ अपनी अचीवमेंट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग मोटिवेट भी और मेरी मेहनत का भी आप लोग अंदाजा लगा सकें। आ जाए प्लीज। बहुत कम होता है ऐसे बंदा अपना घर पूरा खोल दे। ये तकरीबन 2-2.5 साल हो गए इस घर को बनाया है। यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया डिफेंस का, फेज 8 का। पीछे की तरफ यहाँ पे समंदर भी है, और 2 मिनट की ड्राइव है यहाँ से। मोइन खान क्रिकेट अकेडमी बहुत करीब है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं अकेडमी के अंदर। एक बहुत अच्छा एरिया, बहुत रिलैक्सिंग जगह है। ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ पे ये बेसमेंट वगैरह आ जाते हैं तो दोस्तों के साथ टाइम गुजरता है यहाँ पे, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है यहाँ पे दोस्तों के साथ। यहाँ मुझे रहने के लिए दे दो, खेल लेते हैं हम लोग। मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। तो मजा आता है टेबल टेनिस का। गेम स्पोर्ट्समैन जो होता है वो किसी भी गेम को जो है ना वो बहुत एंजॉय करता है। इम्पोर्टेंट है अपने आप को सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं महदूद करना, हर चीज खेलनी है। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको देख के लग रहा है वो खेल चुके हैं, मतलब वो खेलते रहते हैं। और कितने फिट भी है ना, ज्यादा शौक से खेलते हैं वो सारे। गोल्फ का एक्सपीरियंस भी मेरा बड़ा जबरदस्त रह चुका है, बॉब वुल्मर के साथ एक दफा इंग्लैंड में। लेकिन मुझे इंडोर गेम ज्यादा पसंद आते हैं। ये हो गया पूल, हो गया बिलियर्ड, और ये इस गेम का अपना हकीकत में तो अपना मजा है, हकीकत में अपना मजा है, लेकिन इस गेम में भी आप छक्का मार सकते हैं। उतने बड़े नहीं जितने बड़े आप ऐसे मारते हो। ये कितना प्रिटी है यार। शेन वॉन की जर्सी लगा रखी है। यहाँ पे कुछ शर्ट्स वगैरह हैं जो बड़े काफी बड़े प्लेयर्स की शर्ट्स हैं। पीछे विराट कोहली की दिखी, उनसे ली है या दी गई है। संगकारा वन ऑफ द टॉप श्रीलंकन बैट्समैन, वो है मेरे साथ मेरे बेसमेंट में। श्रीलंकन की बैक ब्लैक जर्सी वाली कब थी? वन एंड ओनली मेरा फेवरेट, बहुत ज्यादा विराट कोहली। विराट पूरी शर्ट उसने सारे इंडियन प्लेयर्स की शर्ट साइन करके दी है। जब 2015 T20 को वर्ल्ड कप चल रहा था मेरे ख्याल में, यस, उस वक्त मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, मे बी किसी फाउंडेशन के जब मेरा इवेंट होगा तो वहाँ पे इसके ऑक्शन वगैरह कराएंगे, जहाँ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं फाउंडेशन के। इसके अलावा ये एक मैन ऑफ द मैच है, ये है 2000 सीरीज थी हमारी, मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था यार। मेमोरी ये वॉन ही नहीं दी थी, लेजेंड
उन्होंने अपनी जर्सी भी फ्रेम करवाई होगी। हाँ शायद कोई स्पेशल वाली कराई होगी, फर्स्ट वाली। भाई के बाद अगर किसी ने लेग स्पिन के अंदर दुनिया को हिलाया है सारे टॉप बैट्समैन को, बहुत तो बात है। तो ही इज द गाय एंड देन वन ऑफ माय अनदर फेवरेट क्रिकेटर। हाँ इनकी जर्सी भी है बाजू। शॉट्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जो इस बंदे ने शॉट्स मारी हैं, जो क्रिकेट के अंदर जितनी स्किल्स को डेवलप करने में इस बंदे का हाथ है मेरे ख्याल में 360। इसने हमारा रिकॉर्ड भी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा इसने। हाँ एंड देन फिर इसको रहने दें, इसका बताने का फायदा नहीं। अफरीदी अपनी भी करवाई है। यूनुस खान हमारा खान बहुत ही जबरदस्त लड़का और बड़े कम मेहनती लड़कों को मैंने देखा है, पर इंडिया से इन्होंने सिर्फ विराट ही करी है ना। ये वर्ल्ड 11 की शर्ट हमारे वर्ल्ड 11 की, मुझे जानना था कब से ये क्या है। इसमें वर्ल्ड 11 की थी, इसमें ये मेरे साइन हैं, तमीम इकबाल, वीरू सहवाग, इसमें और कौन है, केपी है, युवराज है, गिलक्रिस्ट है, सचिन है वन ऑफ माय फेवरेट, एंड देन ये मुझे रिसेंटली इन्होंने मैच खेले थे वर्ल्ड 11 लग रहा है मुझे मेरे ख्याल में। बाकी ये छोटी मोटी ट्रॉफीज हैं मैन ऑफ द मैचेस की, मैन ऑफ द सीरीज की, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस की, या पाकिस्तान की शर्ट। ये मैंने वैसे अपनी फाउंडेशन के लिए ली है, यहाँ पे रखने के लिए नहीं, मैंने खुद खरीदी है पीसीबी से। अपनी शर्ट खुद खरीदी, पाकिस्तान टीम जीती थी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, तक ये सारे प्लेयर्स के साइन है। तभी मैं सोचूं वहाँ पे ये सारी स्पेशल वाली जो जीते हैं कुछ बहुत बड़ा किया है का बैट है, ये भी मैंने ऑक्शन के अंदर लिया था, इसमें सारी पूरी पाकिस्तान टीम की साइन है। अलादर हमारी ट्रेनिंग शर्ट, प्रैक्टिस शर्ट, शोएब मलिक जब हमारा कप्तान था, यूनुस खान, मायसेल्फ, उस टीम में तो बहुत सारे थे, मोहम्मद यूसुफ, इमरान नजीर, कामरान अकमल, अच्छे अभी करियर के बाद ऐसे एक्सपीरियंस ऐसी चीजें रह जाती हैं, शोएब एंड मिस्टर मिसबाउल हक। तो ये मेरे पास छोटे छोटे सुवेनियर्स हैं यहाँ पे, एंड देन हमारे पठानों की एक रिवायत है नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, दो सियार वगैरह नीचे बैठ के सारे साथ। क्या है तो अच्छा मजा आता है मुझे नीचे बैठ के दो सियार नीचे बैठ के खाना, जिन्होंने पैंट शर्ट में आते जिनसे नहीं बैठा जाता उनको ऊपर बिठाता हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड हमारी सीरीज हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, नेटवर्क सीरीज थी 2010 की थी, जिस जहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज हुए थे। खैर मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, जैसे सारे इंग्लैंड और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साइन हैं, बाकी सारे ट्रॉफीज हैं, मैन ऑफ द मैचेस हैं, मैन ऑफ द सीरीज है, T20 भी है इसके अंदर, बेसमेंट है, म्यूजियम है एक्चुअली। अच्छा ये सोचिए कब खत्म होगा बेसमेंट भी। हां मैं ऊपर का घर देखना चाहता हूं। ये बैट्स हैं, तीन बैट्स हैं मेरे अलावा, जो दो बड़े नाम हैं इमरान भाई, इमरान खान एंड वसीम अकरम, उनके साइन हैं इस पे, एंड देन फिर मैन ऑफ द मैच एशिया कप 2014, मास्टर ब्लास्ट, ओके बस। उसके अलावा ये छोटी मोटी सुवेनियर्स यहाँ पे मैंने रखे हुए, तो एक छोटा सा माहौल बनाया, थोड़ा गांव टाइप का टच दिया, गांव टाइप का माहौल बनाया। खुद मैं गाँव से हूँ और मुझे गांव का माहौल जो है वैसे बहुत पसंद है, इसलिए कि वहां पे सुकून बहुत ज्यादा होता है, तो कोशिश कर रहा हूं कहां से गांव लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाय गांव का माहौल रख रहे थे तो मिट्टी रख दे। ये मेरा एक दूसरा कमरा है, यहां पे जो है हम दोस्त वगैरह शोर शराबा मचाते हैं यहां पे। आई थिंक इन्होंने अपना बेसमेंट भी दिखाया है, मुझे ये खेलना नहीं आता, तुम आते हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने अपना ये भी है और होम थिएटर भी कर रखा है। उनके बच्चे कितने लकी हैं। अपने आप को बिजी रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से भी जो है वो आप टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आजकल बाप का अपनी औलाद को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तेरी बात वही, तो बेटी अभी तो फिलहाल स्कूल गई है। साथ में ये बहुत सारी हमारी हिस्ट्री हैं, हर एक पिक्चर के पीछे कोई ना कोई कहानी है। कितना मजा आता है ना, इवन हम भी जब अपनी ऐसी पुरानी फोटोज वगैरह कुछ मेमोरीज देखते हैं कितनी खुशी होती है। पिक्चर्स की अपनी एक स्टोरी है, ये एशिया कप की, वो इंशाल्लाह फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हर पिक्चर के ऊपर बात होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी पिक्चर है, बॉब वुलमर जो था हमारा कोच, इंजी भाई कप्तान थे हमारे, बेंगलोर सीरीज की हिस्ट्री है बहुत जबरदस्त, तो हर तस्वीर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है। चले आए, चलो फाइनली चलो बेसमेंट से ऊपर आए हैं।
जाना था पूरा। छोटे छोटे से सीनियर्स यहाँ पे भी हैं, हमारे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब की तरफ से गोल्ड प्लेटेड पिस्टल उन्होंने सीनियर के तौर पे दी थी मुझे। सुंदर पिस्टल है ये, हमारे प्राउड पाकिस्तान नेवी का, नेवी की तरफ से उन्होंने मुझे, एक इवेंट हुआ था उसमें गया था मैं। ये बहुत यूनिक है, ये हमारे एक दोस्त हैं कर्नल अब्दुल्ला, उनकी तरफ से मिला था एक बहुत खूबसूरत। आज तक वो बैट मेरे पास मौजूद है और वो बैट हमेशा मेरे करीब रहेगा। बड़ी हिस्ट्री, एक तो ये हिस्ट्री उसकी कि वो सचिन का बैट था जो कि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और सचिन के बैट से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, और उसके लिए वकार भाई का थैंक यू कि विकी भाई ने मुझे वो सुबह सुबह वार्म अप जब मैं कर रहा था थ्रो डाउन्स के लिए, जब मुझे पता चला कि मैं बैटिंग ओपन ये तीसरे नंबर पे बैटिंग करूँगा तो मैंने कहा जाके ज़रा थोड़ी हिट करूँ। तो वार्म अप करते हुए थ्रो डाउन्स खेलते हुए विकी भाई ने मुझे कहा कि ये सचिन का बैट है, इससे आज मैच खेल के देखो। तो वो बैट आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ और वो बैट ये पीछे पड़ा वैसी की वैसी हालत में है जैसे था ये। इसको भी इन्होंने फ्रेम करके रखा है, फिर भी थोड़ा काफी पतला बैट है, लाइक आजकल के जो बैट आते हैं उनकी फीट बहुत मोटी होती है, तो उस बैट से ऐसा रिकॉर्ड बनाना, इतने जबरदस्त शॉट्स मारना, कमाल की बात है, ग्राउंड के बाहर छक्के मारना। ये मेरा जो था शाहिद अफरीदी को बनाने में इसका बड़ा हाथ है, और ये मेरा उस वक्त का वेपन अभी तक है। बीच में खेलने की कोशिश की, मैंने कहा टूट ना जाए, इसको रखे रहो संभाल, किसने जो काम करना था कर दिया था। वो होते हैं ऐसे स्पेशल बैट, सचिन का भी जो 100 सेंचुरी वाला बैट था उससे वो बहुत टाइम खेलने की ट्राई करते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडल्स वगैरह नीचे भी बेसमेंट में भी देखे आप लोगों ने, यहाँ पे भी था एशिया कप रनर अप एंड देन आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो हम 2007 में जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहाँ मिसबा कर एक शॉट पूरी मार देता ना स्टेडियम जीत जाते हैं। मिसबा ने ओवरऑल वैसे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उस सीरीज में, वैसे देखा था वहां तक लाने वाले मिसबा उलग थे। 2009 वर्ल्ड कप जब यूनुस खान कप्तान था, जब हम जीते थे, ये दो मैन ऑफ द मैचेस है मेरे, उसके एक सेमीफाइनल का और एक फाइनल का, एंड देन ये लॉर्ड्स की तरफ से मिला था। फिर 2020 बेंसन एंड हेजेस मैन ऑफ द मैच, इस तरह की ये वो मेडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरीज के अंदर मुझे मैन ऑफ द मैचेस मिले थे, जिसके लिए जिसको मैंने यहीं पे अपने पास ही लगाया हुआ है। और अभी वैसे आ रहा है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच ही है। पहले मेरे को लगा था कोई नेबर नहीं है, पसंद है मुझे गार्डन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, शौक है मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा बच्चों के लिए ग्राउंड टाइप का बनाया है कि इसलिए कि बच्चों को एक जगह चाहिए होती है भाग दौड़ की, एक्सरसाइज की भी, और तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। खास तौर पे जो लास्ट कराची का जो वेदर रहा बहुत ज़बरदस्त रहा बारिशों के अंदर, आई नो कि शहर का बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत सा नज़ारा था इसलिए कि समंदर पीछे की तरफ है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे करने को, करते हैं बच्चों के साथ प्रोग्राम बनते हैं, तो ये मेरी शाम की स्पेशल जगह है। शाम 5 बजे आपको पता है कराची के इवनिंग्स बहुत स्पेशल होती हैं, तो यहाँ आके बैठ जाते हैं चाय, फैमिली बच्चों को टाइम यहीं पे देते हैं, यहीं पे उनके साथ झूल लेते हैं, इसलिए कि बच्चों के साथ बच्चा बनना अच्छा लगता है, होना चाहिए, क्यों नहीं। दोस्त आते हैं, फैमिलीज आते हैं, जो उनके लिए एक अलग से पोर्शन बनाया हुआ है, उनके अपनी प्राइवेसी कमरे हैं, बनाते हैं गेस्ट हाउस है उनका, मेरा अपना पोर्शन इस तरफ है, मैं और मेरी फैमिली हम लोग इस तरफ होते हैं,
एंड देन ये दोस्तों के लिए प्राइवेसी, तो खैर ये दोस्तों के लिए बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, बस घर हो, इंसान का घर हो, अपना घर हो, अपनी छत हो, इंसान अच्छा लगता है, एंजॉय करता है उस चीज को। कमाल है। ये जो पोर्शन मैं आप लोगों को बाहर से बता रहा था कि फैमिलीज के लिए, दोस्तों के लिए कभी भी आएँ कराची, बी माई गेस्ट, तो ये किसका अपने एक खूबसूरती इस जगह की, ये पीछे जो मैं बात कर रहा था समंदर साइड पे, यहाँ से बड़ी खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त शाम, बड़ी प्यारी हवा चलती है, सनसेट बहुत खूबसूरत नज़र आता है, वो सामने आपका समंदर है, सारा सी है। अब यहाँ पे इन जगहों पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, बहुत ही पुरसकून जगह है। एंड देन ये दोस्तों के, बहुत सुंदर जगह है, सीरियसली कोई भी दोस्त वगैरह आ गए तो उनके लिए रूम्स वगैरह हैं, अलग ही होटल रूम बना रखे हैं, दिखा ऐसे रहा हूं जैसे कोई होटल दिखा रहा हूं मैं भाई, भाई बोला ही अभी। ये एक व्यू है बस यहाँ से जो है वो एक अच्छा नज़ारा यहाँ से भी, यहाँ पे इनके नेबर्स हैं पीछे वाली साइड से, और लेफ्ट साइड पे नेबर्स नहीं है, सीधे और राइट में। उम्मीद है कि आप सब लोगों को छोटा सा विजिट घर का पसंद आया होगा, अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी। मस्त है, ऐसी कौन सी चीज थी जो इनके घर पे एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं थी, हर एक चीज, पहली बार शुरुआत इन्होंने की बेसमेंट से, वो कोई बेसमेंट था, वो म्यूजियम था, उसको आप अफ्रीडी म्यूजियम के नाम से लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त चीज़ें पड़ी हुई, इतनी लाइक आप कह सकते हो ना, जो पैसों से ना तोली जा सके वैसी कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं, और कमाल की चीज़ें थी। और उसके बाद भाई साहब गेस्ट रूम लगाते हैं लोग, मतलब ये गेस्ट रूम रखते हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस है पूरा अलग से दे रखा है, कि भाई उनको भी प्राइवेसी और मेरे घर वालों को भी प्राइवेसी हो, वाह ये होती है ना बात। और फिर वो लास्ट में वैसे ही दिखा रहे थे, होटल रूम्स वाले होते हैं ना वैसे दिखा रहे, भाई मेरे लोगों को रुकना वो यहाँ रुक सकते हैं, ऐसा है, मस्त व्यू है, मस्त सी फेसिंग व्यू है, मतलब वाह, थोड़ा सी फेसिंग प्रॉपर नहीं कह सकते, थोड़ा दूर है, पर हाँ लेकिन देखा जाए तो क्योंकि उनके बीच में कोई आता नहीं, और वो कह रहे हैं आगे जाए कंस्ट्रक्शन होने वाली है, हो सकती है, तो वो एक्चुअली वो नहीं चाहेंगे कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि उनको जो एक मस्त सा एरिया मिल रखा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा, पर देखो आगे आता है, पर भाई इनका हाउस तो बहुत कमाल का था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, लाइक हम लोग ना फालतू में ऐसे लड़ते रहते हैं, लाइक स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानी की, यार ये क्रिकेटर बेकारी, और मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ लगी कि देखो इतने बड़े क्रिकेटर थे वो, तब भी उनको ना इंडियंस क्रिकेटर, इंडियन छोड़ो सभी क्रिकेटर्स के लिए उनको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, उन्होंने स्पेशली जर्सीज ले रखी थी, और ऐसी शो ऑफ के लिए नहीं करी थी, उन्होंने बकायदा फ्रेम करवा रखी थी वो अपने घर पर, तो यार बहुत बड़ी बात होती है वो चीज़, तो मतलब लाइक ऐसे होता है ना कि लाइक बटरिंग के लिए कि दे दो ऐसे हम ले लेते, उन्होंने इतने अच्छे से फ्रेम करवाई थी, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का बैट अभी तक मतलब संभाल के रखा था, और इवन वो कहते हैं उससे ज़्यादा खेलता नहीं ताकि वो टूट ना जाए, तो ये दिखाते हैं कि वो कितनी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि उनका लाइक जो लॉन था वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, और लाइक पार्क, उनके बच्चे तो यार पार्क वार्क में खेलने भी नहीं जाते होंगे, वहीं पर ही खेलते होंगे अपने घर पर, और उनके पड़ोसी के बच्चे भी उनके घर आते होंगे खेलने शायद, लाइक मुझे घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगा सीरियसली। भाई हर एक का ऐसा ही सपना होता है कि भाई लाइफ के मतलब रिटायरमेंट तक आओ तब तक आपका ऐसा हो कि आप खुशी से रह पाओ, अच्छे से रह पाओ, एंड वहीं कहीं ना कहीं शायद फिर दिखाते हैं, और शायद फिर ने स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक ये मैं आपको एक मोटिवेशन के तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेट हो कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, और इस तरीके से आप लास्ट में आके पहुँच पाओ, तो बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग वीडियो थी। आप लोग कैसी लगी आप एक जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।